जिला दतिया से धीरपुरा थाना प्रभारी श्रीमान शैलेंद्र सिंह गुर्जर की ओर से क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली के इस पावन पर्व पर मैं ऐसो नाव अपने देशवासियों को एवं थाना क्षेत्र के सभी नागरिक गणों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। दीपावली हर्षोल्लास का त्यौहार है, इसे तहे दिल से खुशी से मनाएं। जय हिंद। थाना प्रभारी गोराघाट श्री संतोष शर्मा की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। देश में जाने पहचाने तीर्थ स्थलों में माँ रतनगढ़ धाम अपने आप में प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ भाई दूज पर लगने वाले लक्की मेला में लाखों की संख्या में दूर दराज से श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बुंदेलखंड के विशेष तीर्थ स्थलों में से एक है रतनगढ़ माता का मंदिर। यहाँ ऐसा माना जाता है कि अगर किसी को सांप या बिच्छू काट लेता है तो अगर उस इंसान के हाथ में माँ रतनगढ़ वाली का नाम लेकर एक बंधन बांध दिया जाए तो उस इंसान को कीड़े का काटा हुआ जहर असर नहीं करता और उस बंधन को आज के दिन यानी भाई दूज पर लगने वाले इस मेले में माँ के दरबार में लाना पड़ता है। और यहाँ कुंवर देव के मंदिर पर जैसे ही वो इंसान आता है वो मूर्छित हो जाता है, लेकिन जैसे ही यहाँ उस मूर्छित व्यक्ति को मंदिर परिसर में लाकर पूजा की जाती है तो वो ठीक हो जाता है। यही कारण है कि रतनगढ़ वाली माता के मंदिर पर भाई दूज के दिन लाखों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं। आपको बता दें कि कुछ वर्ष पूर्व इसी मेले में एक हादसा हुआ था जिससे कई लोग काल के गाल में समा गए थे। इसी वजह से जिलाधिकारी दतिया ने मेले से पूर्व ही चाक चौबंद व्यवस्था कर दी थी, जिसमें सुरक्षा, पार्किंग व पेयजल की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया था। रतनगढ़ में दूज मेला आयोजित किया जाता है, इसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं। पिछले साल लगभग 20 से 22 लाख लोग आए थे, इस साल 25 से 35 लाख लोग आने की संभावना है। पूरा प्रशासन रतनगढ़ में उपस्थित है। पूरे मेला क्षेत्र को 40 सेक्टर में डिवाइड किया गया है। पर्याप्त पुलिस दल लगाया गया है, आपदा प्रबंधन का SDRF दल है। 40 सेक्टरों में हमने सारा अमला लगाया है। CMHO का दल भी, अस्थाई हॉस्पिटल लगाए गए हैं, पार्किंग, क्रेन, एम्बुलेंस, सारी व्यवस्था है। दर्शनार्थियों के लिए जगह जगह पानी उपलब्ध किया है, हैंडपम्प, पेयजल। देखिए, रतनगढ़ को लेकर पुलिस काफ़ी गंभीरता से प्रतिबद्ध है। इसको लेकर हम बहुत महीनों से प्रयास कर रहे हैं कि हम इस मेले में जो दर्शनार्थी आते हैं उनको बहुत ही सरल और सुगम दर्शन कराएँ। जो भी किसी प्रकार की दुर्घटना संभावित है उनको लेकर हमने पहले से ही ऐसे प्रयास किए हैं कि ऐसी कोई दुर्घटना घटित नहीं हो सके, और उसको लेकर प्रशासन ने पूरा सहयोग किया है। उसमें हमने फोर्स के लिए दतिया की जिले की फोर्स के अलावा हमने अतिरिक्त पुलिस बल की मांग की थी, जो मुख्यालय से अतिरिक्त बल भी मिल गया है हमको। करीब 5 कंपनियों का GP रिजर्व बल और 5 कंपनियों का मुख्यालय बल मिला है। 12 गजेटेड अधिकारी बाहर से आए हैं ड्यूटी करने के लिए, साथ ही सागर और ग्वालियर संभाग का अतिरिक्त बल भी हमको मिला है ड्यूटी के लिए। न्यूज़ बुंदेलखंड के लिए दतिया से रवि रायकवार की रिपोर्ट। भाजपा झांसी जिलाध्यक्ष माननीय संजय दुबे की ओर से सभी बुंदेलखंड वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री माननीय प्रदीप जैन आदित्य की ओर से सभी बुंदेलखंड वासियों को धनतेरस, दीपावली व भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। समस्त क्षेत्र व जनपद वासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नगर वासियों एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं सभी कार्यकर्ताओं को अशोक गिरी की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी से अपील करता हूं कि दीपावली के इस त्यौहार पे चाइना से बनी वस्तुओं का बहिष्कार कर स्वदेशी वस्तु का उपयोग करें। सभी नगरवासियों को, क्षेत्रवासियों को एवं मेरे युवा साथियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपका युवा नेता आयुष श्रीवास आपसे एक अपील करना चाहता हूं कि इस दिवाली हम पटाखों का कम उपयोग करके दियों को जलाएं एवं अपने मऊरानीपुर में प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाएं। धन्यवाद। सभी क्षेत्रवासी
एवं मऊरानीपुर के नगरवासियों को महेश दशहरी की और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मऊरानीपुर नगर एवं झांसी जनपद के निवासियों को मीरा विष्णु राय पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत झांसी की ओर से धनतेरस, दीपावली और ग्यास की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अमित प्रिय जैन अध्यक्ष नगर उद्योग व्यापार मंडल, श्रीमती अलका जैन अध्यक्ष महिला जैन सेवा संघ ललितपुर।